हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मिस्टर दिनेश पवार यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखिए, तारिणी, सतरानी और रश्मि, हम यहाँ आए हैं नंदुरबार सिविल हॉस्पिटल में। तो देखते हैं अभी यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। कल तो शाम को आरिस भाई ने बोला था ब्लड लग रहा है बोले, अभी सुबह के 11 से 11:30 बज रहे हैं। तो देखते हैं अभी क्या हुआ है क्या नहीं। पूजा जी जाएगी और वहाँ पर तपस लिएगी और तारिणी सतरानी को भी लेकर जाएगी वहाँ पर। और किसी का कार को यूज़ नहीं हुआ है तो चलते हो फ्रेंड। जा घूलने जाओ। देखे फ्रेंड इतनी दूर है आ गए हैं। तो फ्रेंड छुट्टी हो गई है बोले, ये 1 घंटा हुआ है बोले उसकी छुट्टी हो गई है और अभी पता नहीं। तो चलते हैं। तो फ्रेंड वो घर को चली गई है बोले, और फोन लगाया होता तो आना नहीं पड़ता। हमारा वो देवर है ना, देर कवारा उसको। तो अभी चलते हैं घर। बहुत अच्छा हुआ है छुट्टी हो गई तो बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि बहुत टेंशन था कल दिनेश जी रश्मि को और शिवम को लेने के लिए गया था वो स्कूल में। तो कॉल पर कॉल आ रहे थे तो बहुत टेंशन हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा है अभी, बहुत अच्छा हुआ है छुट्टी हो गई होगी तो। तो फ्रेंड्स इससे अच्छा खुशी का बात क्या हो सकता है, छुट्टी हो गया है बोले नीलकंठ का। बहुत खुशी हूँ मैं बोला है। चलो ठीक है, अभी यहाँ तो हमारा कुछ काम नहीं है, अभी घर पर ही जाना होगा रिटर्न। चलते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आए थे हम घास काटने के लिए अभी 2-3 दिन पहले। तो अभी रास्ते से घर जा रहे हैं तो यहाँ पर रुके हैं। देख सकते हो ये पूरा घास उठाकर रखा है, मतलब फेंक कर रखा है वो। तो यहाँ से पूजा जी बोल रही है कि बकरियों को ले लेते हैं बोल, तो ये घास ले रहे हैं। और रश्मि देखिए उधर वो झाड़ का पाला तोड़ रही है, वो तारिणी सतरानी छाव में खड़ी है। तो चलो हम यहाँ से घास ले लेते हैं थोड़ा। घर पर बकरियाँ खुली होगी, शिवम को भेजा था चराने के लिए, वो चराने के लिए गया है। तो क्या मालूम चारा तो नहीं है जंगल में, घर पर भी लाकर रख दिया होगा या चरा रहा होगा। पर हम यहाँ से चारा लेकर जाएंगे बकरियों को थोड़ा। तो ये रश्मि तोड़ रही है, पूजा जी तो गई है इस वक्त। तारिणी सतरानी भी आ गई पास में। चलो देखिए ये खेत है, ये मूंगफली है। अभी इसमें जो भी घास था वो सब मजदूर लगाकर उठा लिया है। और पूजा जी घास इकट्ठा कर रही है अभी। असल असल लीजिए नहीं, जो खासियत थे उस ला। तो चलो हम इसमें से घास निकाल लेते हैं जो बकरियां खा सकेगी वो, अच्छा अच्छा घास। ये
चिटकाई वो लोग को ले जाएगा। देखिए कितना कटाव कर लिया है, चारा तो पूरा का पूरा ही घर पर जाना चाहिए था, पर इतना लेकर कैसे जाएंगे, जितना आवश्यक है उतना ही लेकर जाएंगे। उधर वो झाड़ का पाला भी तोड़ लिया है, देखिए फ्रेंड्स हो गया है, अभी इसे बांधकर बाहर लेकर जाते हैं। गाड़ी भी आकर चलता सत्राणी, चलो चल तारणी तारणी चलो चलो काटा से गुल्ली बागे काटा से बोला गोल रोल को तूने भी तूने मनु चिच्चो चल आगे है। चलो चले भैया, देखिए कैसे बैठ गए हैं तीनों। चलो फ्रेंड्स देखिए घर पर आ गए हैं, तो हमने भी बकरियां ला लिया है बोले, पर इधर कहीं निकल गए हैं बकरियां, वो लेने गया है। तो देखिए बकरियां ला लिया है, टांग बांध दिए हैं, छोड़ रही है पूजा जी और वो अपना कालू जी। तो चलो फ्रेंड्स बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी है आज हमें नीलकंठ का छुट्टी हुआ है, वो उसे खून चढ़ाया है बोले, हमारे जाने से पहले ही एक घंटा पहले ही उनका छुट्टी हो गया है बोले, वो अच्छा हुआ। बस कल मिलते हैं, अभी क्या होता है क्या नहीं आगे देखते हैं। नमस्कार है, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय खंडेश।